प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू बहुत ही नाजुक हालातों के विच संभल के बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नू अपने बचना अते ऐलाना दे राही देश दे सुरक्षा अते रणनीतिक हितों उत्ते पैण वाले प्रभावों बारे हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। यह कहना है देश दे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दा ते कहा गया मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान दिता है जो भारत चीन विचकार विवाद चल रहा है उस नू लैके उन्होंने बयान दिता। पहला बयान उन्होंने आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अज असं इतिहास के बड़े नाजुक दौर पर खड़े हाँ। साड़ी सरकार का फैसला अते सरकार वालों चुके गए कदमों के आधार उत्ते साड़ियां आने वाली पीढ़ियां साडा मुलांकण करनगियां। कहते हैं कि जिहड़े देश की अगवाई कर रहे ने उन्होंने मोढ़ियां ते सारी जिम्मेवारी है। साढ़े लोकतंत्र दे विच इह जिम्मेवारी देश दे प्रधानमंत्री की होंदी है। प्रधानमंत्री नू अपने किसी भी बयान जां ऐलान दे राही देश दे उत्ते कोई माड़ा प्रभाव ना पवे इस दा खास ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू अजिहे बयान नहीं देने चाहिए जिस दे नाल चीन नू साजिश करन वाली नीति नू बल मिल सके। सरकार दे सारे अंगां नू एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना ते हालात गंभीर होने तो रोकने वाल काम करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि असी सरकार नूं चेतन करते हैं कि गुमराहकुन प्रचार कदे भी कूटनीति अते मजबूत लीडरशिप का बदल नहीं हो सकता। जी हजूरी करने वाले जिहड़े सहयोगी ने उन्हां वल्लों झूठ के प्रचार के नाल सच नूं नहीं दबाया जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफ़ी सीधे शब्दों के विच काफ़ी कुछ कह दिता है। उन्होंने अगे ये भी कहा कि असी सरकार नूं बेनती करते हैं कि वह वक्त दीआं चुनौतियों का सामना कर फौजियां दीआं कुरबानियां दीआं कसवटियां उत्ते खरा उतरन जिन्हां ने कौमी सुरक्षा ते देश दी अखंडता लई अपनी कुरबानी दित्ती है। यह कहना डॉक्टर मनमोहन सिंह दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन ही बैठक बुलाई सी सर्वदली भारत चीन विवाद के मुद्दे उत्ते। उस तो बाद उन्होंने जिहड़ा बयान दिता सी इह कहा सी कि कोई भी साडी सरहद च दाखल नहीं होया ते ना ही किसी ने साडी जमीन ते कब्जा कीता। उस तो बाद लगातार राहुल गांधी तो लगातार इस बयान की विरोधता कर ही रहे ने। कई सीनियर पत्रकार जां आम लोग सोशल मीडिया के उत्ते एक चर्चा छिड़ी हुई है इस बयान नूं लैके कि प्रधानमंत्री ने जिहड़ा आत्म समर्पण कर दिता है चीन जो कहिंदा है उहदे अगे ते चीन की गल्ल नूं सही साबित कर दिता है। चीन मीडिया दे विच वी पूरी तरह दे नाल इह गल्लां ने जिहड़ियां फैलियां होईयां ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्म समर्पण कीता है चीन दे अगे। बयान ही इहो जिहा सी हालांकि प्रधानमंत्री दफ्तर ने बाद च स्पष्टीकरण भी दिता कि उन्हां दे बयान नूं गलत तरीके नाल लिया जा रहा है। पर पहली नज़रे जदों देख लीए तां इस बयान दा मतलब ही यह निकलता है कि असीं सरेंडर कर दिता है भारत ने चीन मूहरे सरेंडर कर दिता है इस तरह के बयान आ रहे हैं। सो इस दरमियान एक होर खबर भी दस दईए कि भारत सरकार ने फौज की ताकत वधाउण दा फैसला लै लिया। सरकार ने तिना फौजां जल थल ते हवाई नूं हथियार ते गोला बरूद खरीदने लई 500 करोड़ रुपए की तुरंत खरीद की मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने एक ही विक्रेता तो जरूरी हथियार ते उपकरण खरीदने की विशेष छोट दे के खरीद विच होण वाली देरी नूं भी घटाउण लई कहा है ते नाल ही जिहड़ियां फौजां ने उन्हां नूं आग्या भी दे दित्ती है कि तुसीं जो मर्जी चाहे कर सकदे हो। यानी कि खुली छुट्टी दे दित्ती है फौजां नूं चीन दे खिलाफ कार्रवाई करन दी जे चीन कोई इहो जी हरकत करदा है तां।